वो जमीन में एक गड्ढा खोद रही थी ताकि वो अपने दो छोटे बच्चों को दफना सके। लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो दुख भरी ऐसी कहानी सुनाई कि हर किसी की आंख भर आई। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के सामने उसकी सारी चतुराई फीकी पड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस कलयुगी माँ के साथ। मुंह छिपाए नोएडा पुलिस के पीछे खड़ी सोनम की करतूत जानकर आपका दिल पसीज जाएगा। इसने अपने दो छोटे बच्चों की पहले गला दबाकर हत्या की, फिर उनकी लाश छिपाने के लिए भी झूठी कहानी का सहारा लिया। दरअसल सोनम ने हापुड़ के रहने वाले साहिल के साथ परिवार के बिना अनुमति के घर से भागकर लव मैरिज की थी, जिस कारण सोनम का अपने मायके में आना जाना बंद हो गया। साहिल से शादी के बाद महिला को दो बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। शादी के बाद से साहिल सोनम के साथ घरेलू बात को लेकर लगातार मारपीट करता और उसे टॉर्चर करता। इसके साथ ही साहिल ने साल 2021 में एक आदमी की हत्या भी कर दी, जिसे सिलसिले में उसे जेल हो गई और वो गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो गया। इसके बाद सोनम के पास कोई सहारा नहीं था और ऐसे में पास ही की एक दुकान में काम करने वाले सोनू के साथ उसकी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती इस कदर बढ़ी कि ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो गई और अब सोनम सोनू के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। इधर सोनू से भी सोनम को एक बच्चा नकुल हो गया। लेकिन पहले से जिस पति पर आरोप था साहिल, जो कि जेल में बंद था, वो अब जेल से छूटकर वापस आने वाला था। ये सोचकर ही सोनम कांप गई। उसे लगा कि अगर साहिल जेल से छूट कर आएगा तो वो उसके साथ पूरे परिवार को खत्म कर देगा और इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो अपने दो बच्चे जो साहिल से पैदा हुए थे उन्हें मारकर गड्ढे में दफना देगी और पूछने पर बताएगी कि वो कहीं गायब हो गए हैं। और इसी सिलसिले में गुरुवार यानी 21 तारीख की दोपहर करीब 1 बजे साहिल से पैदा हुए दो बच्चे बिट्टू और गोलू घर पर थे। तभी सोनम ने उन्हें बहाना बनाकर सुला दिया और जब ये दोनों सो गए तब उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। दिनांक 21 नवंबर 2024 को थाना बादलपुर में सूचना मिली कि दो बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष और करीब 4.5 वर्ष, 6 वर्ष की लड़की थी और 4.5 वर्ष का लड़के की मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जब परिजनों से तहरीर ली और इसमें आगे जब तफ्तीश चालू करी तो मालूम चला कि माँ ने, इसका नाम सोनम है, उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, उसने उन दोनों बच्चों का गला दबाकर उन दोनों की हत्या कर दी। यह सोनम के जो पहला पति जिसका नाम साहिल है, जिससे उसकी शादी 2017 में हुई, उससे ये दोनों बच्चे हुए थे। और 2021 में साहिल एक मर्डर के मुकदमे में था जनपद गाजियाबाद से जेल चला गया था। जेल में जाने के बाद ये अपने जो करंट में लिव इन पार्टनर है जिसका नाम सोनू है उसके साथ रह रही थी। और कुछ समय पहले जो साहिल है वो जेल से छूट के आया था, उसके पास से काफी परेशान रहने लगी थी और अभियुक्ता ने बताया कि परेशान में रहने की वजह से, डिप्रेशन में रहने की वजह से और इस डर से कि जो उसका पुराना पति है वह इनको कहीं हार्म ना करे, कहीं नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसने इन दोनों बच्चों की हत्या की। पकड़े जाने के बाद महिला ने पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। सोनम ने पुलिस को बताया कि वो दोनों बच्चों को मारने के बाद खुद को भी खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। लगातार पुलिस को गुमराह करने के बाद जब पुलिस ने बड़ी ही कड़ाई से सोनम से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि आखिर उसने पहले अपने दो बच्चों को मारा और फिर वो उन्हें चुपचाप जाकर कहीं दफनाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ी गई।